राजस्थान में गुरुवार को सरकारी और निजी स्कूलों में एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर के चौगान स्टेडियम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कई नेताओं के साथ सूर्य नमस्कार किया। वहीं दिलावर ने कहा कि सूर्य नमस्कार का प्रदेश में कहीं भी विरोध नहीं है। उन्होंने मुस्लिम समाज के विरोध पर कहा कि कई मुस्लिम भाइयों ने फोन कर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बधाई दी है, सब लोगों ने इसका स्वागत किया है। कहा है कि जो सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे हैं वो सूर्य भगवान का प्रकाश न ले तो अपने आप अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में बैठे रहे। पढ़ाने से बचने के लिए कई भाई ने करके कि मैं भैरू जी की पूजा करने जा रहा हूँ, मैं बालाजी की पूजा करने जाऊंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, तो ये परंपरा रही होगी, जा रहे होंगे, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी हमने कि कोई भी अध्यापक इस प्रकार के बहाने लेकर के विद्यालय नहीं छोड़ेगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को चुरू पहुंचे। चुरू आने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दोपहर ट्रेन से चुरू आने पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए अभूतपूर्व काम कर रही है और इस दिशा में एक से बढ़कर एक योजनाओं का सूत्रपात किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में एससी ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। मतदाता को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। कोर्ट ने अपने फैसले में एसबीआई से बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट को भी सार्वजनिक करने को कहा है। इस पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि चुनावी बॉन्ड को आज सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक करार दिया है। कांग्रेस तो शुरुआत से ही कहती नजर आ रही थी चुनावी बॉन्ड में आखिर क्या है, यह जनता को पता नहीं चल पाता है। इसमें कई तरह के घोटाले देखने को मिलते हैं। बिजनेस के लिए कितना पैसा आया यह जनता को भी पता होना चाहिए। देश की जनता के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा न्याय किया है। अब बीजेपी को जवाब देना ही होगा। चुनावी बॉन्ड को आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। पहले से कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि जो चुनावी बॉन्ड है जिसमें जनता को कुछ पता नहीं चलता, ये बड़ा घोटाला है। आपको किस बिजनेस घराने ने कितना बड़ा पैसा दिया, क्यों दिया, इसका कारण स्पष्ट होना चाहिए, उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है, जनता को पता नहीं है, कोई राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में ही आता नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा न्याय किया है देश की जनता के साथ कि कम से कम जो आरटीआई के दायरे में आ गया, इलेक्शन कमीशन के दायरे में आ गया, ऐसे वक्त में इस फैसले ने साबित कर दिया कि बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि यदि बड़े बड़े काम हुए हैं और उन बड़े बिजनेस टाइकून्स ने इनको पैसा दिया है तो निश्चित रूप से इसमें इनका स्वार्थ नजर आता है। यदि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया, यदि इसको ईमानदारी से लागू करना तो केंद्र सरकार का काम है, लागू होता है तो बैक की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही, आज तक किसी ने चुनावी बॉन्ड जारी नहीं किए, ये सीधे सीधे काले धन को सफेद करने का मामला है और ये एक बड़ा घोटाला साबित हुआ है पूरे देश में। अब किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। जो सच बोले उसकी जबान पर ताला लगा दिया जाता है, कोई खुलकर अपनी बात कह दे तो असली राम राज्य यही है कि आपकी ईमानदारी सामने आनी चाहिए। यदि राम राज्य की बात करते हो, राम की बात करते हो तो बताइए कहां कहां से कितना कितना पैसा आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ईमानदारी से लागू कीजिए, ये देश चाहता है। जिस दिन ये बॉन्ड का ये जो फैसला आया, इस बॉन्ड के फैसले ने साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सब जगह क्लियर है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला पहले चीफ जस्टिस एक कमेटी के मेंबर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अपोजिशन लीडर थे, अब चीफ जस्टिस नहीं होंगे उस कमेटी के मेंबर और एक बिल लाकर लोकसभा में इस मामले को खत्म किया गया। तो मैं आज फिर कह रहा हूं सब लोगों को सावधान होना चाहिए, समझना चाहिए और ये जो चुनावी बॉन्ड का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ये देश को एक ताकत देगा, जनता को ताकत देगा, डेमोक्रेसी को ताकत देगा और इसमें ये बड़ा घोटाला साबित होगा।